फिर से चलाएंगा तो उसकी शादी हो जाएगी और मैं वलीमे में पहुंचूंगा। अब ये जहाज मेरे को चलाना पड़ेगा। आज मेरे को मेरी महबूबा से मिलने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मोहब्बत अंधी रहती सुना था, मगर मोहब्बत में बगैर टाप का ऑटो चलाना पड़ता बोल के ये पहली बार देख लो। गलती से बारिश हुई तो समझो ये जहाज डूब जाता। ये फकीर गाड़ी में पेट्रोल रखा कि नहीं की, अगर दूसरी जगह बुलाई तो समझो पैदल हो गए। जा बोली वहां तो आ गया, अब फोन लगाएंगे एक। अरे भूल गया, इसको तो स्टैंड भी नहीं रहता। हेलो, कहाँ है आप? मैं आ गया ना। चलो जी, कब से की सता रहे? ठहर क्या ही मैं कितनी की देर? गाड़ी पंचर हो गई थी जी। अभी से पंचर हो गए तो कैसा? अभी बहुत सफर करना है अपने को। आए ऐसा अब क्या करो बर्रे? आप क्या करते? वापिस चले जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। अच्छा सुनो, अगले टाइम से मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई, थोड़ा इंतजार करो भाई। आपके पीछे बहुत धापोश हो जा रही मेरे को। क्या बोले तुम? मैं 15 मिनट जल्दी आके ठहर दूँ। दुनिया में ऐसी आशिकी हो रही अपनी। मियाँ अब तुम जाके किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को मेरा नाम बोलो, उन्हें अपनी फिल्म में तुमको बराबर चांस देगा, समझे? ये छोटा सा नजराना है। अरे इसकी क्या जरूरत थी मियाँ? कितने दिन में सिखाया इसको? 1 हफ्ते में सिखाया। और यहाँ 1 महीने से 1 राग तक नहीं सिखाया हमारे को। अरे मियाँ दीवाने बाता कर रहे हैं, तुमको तो टॉप सिंगर बनाना है, टॉप सिंगर बनाना है। सच बात है भाई, पूरी दुनिया तुम्हारी आवाज सुन के वाह 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 बोलेगी, समझे? क्या बात है उस्ताद जी, आज खाला की आवाज नहीं आ रही। फिर खाला बोला तू? तेरे को मालूम मैं तेरे वस्ताद से 20 साल छोटी हूँ। खाला कहते खाला। माफ कर दो आंटी, बच्चे से गलती हो गई। ये पहाड़ी ऊंट कौन है जी? इसे जरा लस्सी तो मंगा। एक मिनट बेगम, हिमालय पुत्र 5 लस्सी लेके आ। ठीक है ठीक। सुनो मियाँ, तुम्हारे को मालूम है कल जो है मेरे ख्वाब में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान आए थे। अरे ऐसा? आके बोले अब होने वाला हिंदुस्तान का बड़े गुलाम अली खान, उसको सलाम बोलो बोले। अगर आज फिर ख्वाब में आए तो मेरी तरफ से वालेकुम सलाम बोलो उस्ताद। अरे बिल्कुल बराबर बराबर, चलो रियाज करेंगे। चलो चलो, संगीत के बुझते हुए चिराग को तुम्हारे तेल की जरूरत है, समझे? तुमको हिंदुस्तान का बड़ा सिंगर बनना है। जरा बीवी को डरा के रखना, नहीं सर पे चढ़ के बैठ गए। अरे फितने, मेरे खिलाफ मेरे शहर को भड़का रहा। अबा मैं तो आपका सैटेलाइट चेक कर रहा था, बहुत तेज है, रिलायंस वाले को बेचते क्या? खैर छोड़िए, कल आते आते क्या लाना है बोलो, ला लेता हूँ। अच्छे साफ सुथरे झींगे लेके आओ, बाकी का बात देखेंगे। बाबा राशन भी खत्म हो गया ये महीने का, घर के किराए का भी आती ला दो, 10 तारीख आ गई। अब किसी यतीम बच्ची की शादी का बंदोबस्त करना है तो बोलो, वो भी पूरा कर देता हूँ। या गाना वाना कुछ नहीं होता मियाँ, ये छोटा चलो यहाँ से। अरे खाला मरे बात। अरे मरे मेरे दुश्मन। बाबा क्या रे, जब देखो जब एक्सरसाइज करते रहता, मेरी बात सुन, पोटियां पटाना शुरू कर दे, एक्सरसाइज खुद ब खुद हो जाती। मैं पोटियां पटाने की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, अपने फिटनेस की वजह से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फिटनेस? मेरे बैगन का फिटनेस। अरे हल्लू कर रहे भाई, क्या पूरे महल्ले को उठाता क्या? कभी कभी पानी भी नहा लिया कर। अरे अपनी सिटी में पानी का शॉर्टेज है और रात को मच्छरां बहुत है, अगर रोज रोज पानी नहाए और साफ रहे तो रात को मच्छरां अटैक करे, और अगर पानी नहीं नहाए तो कोई मच्छर नजदीक नहीं आता, सेफ्टी फ्रॉम मलेरिया मामा। रात में इतनी पीते गए क्यों रे, जो सुबह में उठ नहीं सकते तुम लोग? अगर तुम्हारे अम्मा बाबा को मालूम हो गया तुम लोग काले से निकाल दिए गए, तुम्हारी ये जो पॉकेट मनी आना है वो बंद हो जाएंगी ना, तो जी फटके बाहर निकल जाते। अभी नोटा आना बंद तो नहीं हुए ना, जब बंद होंगे तब देखा जाएगा। ये बॉबी कहाँ गया रे भाई, अब तक चाहिए नहीं लाया। जा जाके देख कहीं चूल्हे पे तो नहीं सो गया उन। अरे बॉबी
दो चाइला साबलों के लिए मलाई मार के। मलाई मार के साले मेरा बस चला तो तुम लोग को मार देता हूँ। अरे तुम लोग मेरे को नौकर समझे रे दोस्त समझे? क्या मेरे पैसे आना बनोगे कि तुम लोग अपने आप को क्या की समझ रहे? ये साफ कर वो साफ कर साले टाइम मान दे मेरा बताता हूँ। शक्कर कहाँ है चाय में? क्या हम लोग शुगर पेशेंट है जो चाय में शक्कर नहीं डाला? नवाब साहब शक्कर नहीं है वहाँ पे। रात को बॉटल लेना याद रहता, शक्कर लेना याद नहीं रहता? नहीं अरे आज टाइम बुरा है, कल घर से पैसे आन दो, कौन बॉटल लेता कौन नहीं लेता देख लेंगे। अरे सुबह सुबह ये बॉटला बोल के कई को दिमाग खराब कर रहे रे भाई। अज्जू बॉस मैं क्या बोल रहा था, अपने नवाब साहब के वास्ते भी कुछ कर देना था, एक आध पिक्चर बना देना था इनके वास्ते भी। अरे फिल्म बनाना क्या मल्लप्पा की खीर है? प्रोड्यूसर बोले तो मजबूत होना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा रहता तो लोग घरों में दुकानों में फिल्म बना लेते थे। क्या कोई मस्करापना समझ रहा क्या तो फिल्म बनाना? अमिताभ बच्चन अपने बेटे को कहां से कहां पहुंचा दिया, ऋतिक रोशन को राकेश रोशन कहां से कहां पहुंचा दिया क्रिश में। अब अपने लोगों के वास्ते भी तुम कुछ तो भी कर देना था। अरे क्या नवाब साहब मेरा बेटा है, वो लोग अपने अपने बेटों के लिए कर ले रहे। तेरे को तो मालूम है ना अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले सुपर हिट रही थी। आए अच्छा अब आए सोते को तू फिल्म बोल रहा तो बना देंगे एक आध फिल्म, कितने करोड़ है पूछ? नवाब साहब 1-2 करोड़ रुपए लगा के 40-50 करोड़ रुपए कमा लेते। अरे फिल्म बनाने के लिए इतने पैसे कहां से लाऊंगा मियां? नवाब साहब एक बात बोलता हूँ, बुरा नहीं मानना, ये आपकी जो होटल है इसको तड़क आ गई और बहुत खदीम हो गई ये होटल। ये होटल बेच दो तुम। ये होटल बेच दो बोलता रे, क्या मेरे को कछविंदा समझा? अरे यारो ये वो होटल है जहाँ निजाम सरकार आकर चाय पीते थे, या निजाम सरकार के टाइम पे टांगों पे कंदील के साइकिलों पे घोड़े गाड़ियों पे। तू मेरे को ये होटल बेचो बोलता क्या रे? तू मेरे को हाल फिट समझा क्या? क्या तू हौला समझा क्या रे मेरे को? देखो नवाब साहब ये फिल्म बनने के बाद तुम्हारा जो नाम है वो यहां से यहां आ जाएगा, बड़े बड़े बैनरों पे बड़े बड़े पर्दों पे तुम्हारा नाम आएगा, नवाब साहब प्रोडक्शंस। बड़े बड़े हीरो हीरोइना विलेना सब लाइनों में ठहरेंगे, नवाब साहब प्रोडक्शंस में हम काम करते हम काम करते। तुम खाली चार मीनार से बंजारा हिल्स की तरफ जब रवाना होंगे तो पुलिस वाले रास्ता तुमको देके बोलेंगे नवाब साहब अरे रास्ता दो, नवाब साहब अरे रास्ता दो। बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े लोगों में तुम्हारा उठना बैठना रहेगा, 5-स्टार होटल रहेंगे 5-5, यहाँ देखो नवाब साहब वहां देखो नवाब साहब, कोट पे नवाब साहब, लंगोट पे नवाब साहब, लुंगी पे नवाब साहब, पुंगी पे नवाब साहब, टोपी पे नवाब साहब, माले पे नवाब साहब, कुर्ते पे नवाब साहब, पैजामे पे नवाब साहब, नाड़े पे नवाब साहब, चड्डी पे नवाब साहब, बनियान पे नवाब साहब, हर जगह नवाब साहब, बसों पे नवाब साहब, एरोप्लेन पे नवाब साहब, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों पे भी बड़े बड़े लेटरों में लिखे हुआ रहेगा नवाब साहब कॉलेज, नवाब साहब स्कूल, नवाब साहब यूनिवर्सिटी। और उसके सामने जो बच्चे आइसक्रीम खाएंगे नवाब साहब के नाम का, खा के बोलेंगे वाह नवाब साहब आइसक्रीम। सोचो क्या होगा उस दिन का जब तुम्हारा नाम बड़े बड़े पर्दों पे आएगा, बड़े बड़े हीरो के बीच में आएगा, नवाब साहब आगे नवाब साहब पीछे नवाब साहब, यहाँ तक के गुटकों पे सुपारियों पे क्रेनों पे चॉकलेट के और बिस्किटों के पर्नियों पे भी नवाब साहब ब्रांड छप जाएगा, नवाब साहब ब्रांड छप जाएगा। अब आगे आपकी मर्जी। अब्बा जान चीख लेंगे, वक्त ना सखत बुड्ढा चढ़ा तखत। अरे क्या है भाई, 5 साल के बाद दुबई से आया हूँ, जरा समझो शन्नू, जरा करीब आओ भाई। छोड़ो भी अबे। हेलो 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 हेलो, कौन है कि क्या है कि भाई आइन टाइम पे मूड खराब कर दे रहा है। बाहर से आए जब से कमरे में से बाहर निकल रहा है नहीं, क्या क्या कर ले रहा है कि क्या है कि सब काम मेरे को करना पड़ता। अब्बा जान बुला रहे थे वहां। अरे बाजान पुकारते रहते भाई, सब देख लेते, तुम जरा करीब आओ भाई। ये इस आज है तुम्हारा क्या? चेहरा तो बदलिया, 600 चांद नजर आ रहा है, सच्ची बोल रहा हूँ। हटो जी। तुम्हारे माँ के हराम के पोट्टे मारूं, तुम लोग को मेरा ही घर मिला रे, हमको ही क्यों सताते रे तुम लोग? हाँ अरे तुम लोग इंसान की औलाद है रे, हैवान की औलाद है, एक बार घटना रे मेरे हाथ को। अब और क्या समझना है भाई, ठहरो। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन तो भी, अरे जरा बात तो कर,
क्या बाबा टेलीफोन डिपार्टमेंट में है रे? बात बात को फोन कर रहा है? थू 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 कौन तो भी है जी ये? मेरे को क्या मालूम? अरे मेरी आवाज सुन रहा है फोन रख दे रहा है, आवाज सुन रहा है फोन रख दे रहा है, तुम्हारा कुछ चक्कर दिख रहा है मेरे को। ये वीडियो मीकु नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडी, शेयर चेयंडी, ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త సినిమా వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.